21 फरवरी को ओम प्रकाश निवासी ग्राम मुशरपुर थाना इकोटेक वन ने 17 फरवरी से अपने भाई धर्मपाल के गुम हो जाने के कारण गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दिनांक 24 फरवरी को कासना क्षेत्र में सिरसा गांव के पास एक अज्ञात शव की सूचना मिलने पर उक्तवादी ने शव की पहचान अपने भाई धर्मपाल उर्फ बीजू के रूप में की तथा दिनांक 25 फरवरी को इन्होंने थाना इकोटेक वन पर रंजीत निवासी मुरशदपुर के खिलाफ अपने भाई धर्मपाल को जान से मारने की धमकी देने तथा शक की बिना पर हत्या करने के संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस संबंध में की गई विवेचनात्मक कार्रवाई से रंजीत पुत्र ओम प्रकाश व उसके एक साथी प्रशांत जो कि सिरसा गांव में किराए पर रहता है दोनों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। मृतक धर्मपाल के गांव की ही एक विधवा महिला से कई सालों से मधुर संबंध थे परंतु अब इस महिला की निकटता रंजीत से हो गई थी। फिर भी धर्मपाल का महिला के यहाँ आना जाना था, साथ ही महिला को मुआवजे आदि का भी कुछ पैसा मिला था। रंजीत को महिला के धर्मपाल की तरफ के झुकाव तथा उसके पैसे इत्यादि को लेकर काफी इनसिक्योरिटी थी तो उसने अपने दोस्त प्रशांत के साथ मिलकर धर्मपाल को दावत व शराब पिलाने की बात कहकर सिरसा गांव अंतर्गत थाना क्षेत्र कासना में एक ठेके के पास ले गए तथा वहीं पर एक खेत में उसे शराब पिलाने के बाद सिर पर बोतल मारकर बेहोश कर चाकू से उसकी हत्या कर शव को सरसों के खेत में छोड़ दिया। दोनों अभियुक्त रंजीत व प्रशांत गिरफ्तार हैं तथा इनके पास से हत्या में प्रयोग हुआ चाकू व मृतक का मोबाइल आदि सामान बरामद हुआ है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है।